यार वीओआईपी बोले तो वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल को तो यार सभी लोग काम में जरूर लेते होंगे यार। हो सकता है कि आप लोगों ने कभी ना कभी इस चीज को काम में लिया हो और देखा हो कि यार कैसे हम इंटरनेट के थ्रू भी कम्युनिकेशन अचीव कर सकते हैं। तो यार आज हमें वीडियो आखिर तक देखती रही है, मैं जब से इसी वीओआईपी के बारे में बात करूंगा और दोस्तों बताऊंगा कि ये टेक्नोलॉजी आखिर कैसे काम करती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है यशवंत और आप देख रहे हैं माइक्रो माइंड। चलिए शुरू करते हैं। उन वक्तों की यार जब हमारे पास इंटरनेट की फैसिलिटी तो बिल्कुल भी नहीं थी और यार मोबाइल फोन्स के अंदर भी हम कुछ पर्टिकुलर एसएमएस के लिए पैकेजेस और कुछ फोन्स के लिए पैकेजेस लगाते थे, लेकिन यार आज के टाइम पे हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन निकल के आ जाते हैं यार मार्केट में, क्योंकि यार इसके अंदर आज के दौर में यार हमारे पास इंटरनेट की फैसिलिटी मौजूद है और तरह तरह की यार अगर मैं आपसे बात करता हूँ फील्ड्स के बारे में तो यार हम काम में लेते हैं तरह तरह के बड़े बड़े इंटरनेट केबल्स को, जिसको जिसमें यार मैं आपसे बात करता हूँ फाइबर ऑप्टिक केबल्स की, उसके बाद यार सैटेलाइट की बात करता हूँ, उसके बाद यार काफ़ी इंटरनेट ऐसे नेटवर्क की बात करता हूँ जिसके जिसके अंदर यार हम इजीली एक डेस्टिनेशन से अपनी बात को दूसरी डेस्टिनेशन तक इजीली पहुँचा देते हैं, वो भी वायरलेसली। इसीलिए यार ये वीओआईपी का जो कॉन्सेप्ट है ये काफ़ी कमाल का कॉन्सेप्ट है और बेसिकली ये कोई ऐसी नई वाली बात नहीं है, ये काफ़ी टाइम पहले से हम यूज़ करते हुए आ रहे हैं, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना था कि यार उस टाइम पे जो हमारे पास इंटरनेट था वो इतना अच्छा नहीं था, लेकिन आज के टाइम पे हम बेसिकली एकदम सही टाइप की स्पीड मिल जाती है। अच्छा भाई, तो मैं अब आपसे बात करता हूँ कि यार ये चीज़ आके कैसे काम करती है। अब यार वीओआईपी की अगर फुल फॉर्म की बात करते हो तो फुल फॉर्म निकल के आ जाती है भाई वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। इसका मतलब ये कि यार हम अपनी जो बात है, अपनी जो बेसिकली कॉल्स हैं जो कि हमारी फ़ोन कॉल्स हैं या फिर हमारी जो लैंडलाइन कॉल्स है उसको इंटरनेट से ही अचीव कर सकते हैं। इसका मतलब ये कि हम इंटरनेट के थ्रू उससे बात भी कर सकते हैं। इसका मतलब ये कि यार अगर आपके पास है इंटरनेट कनेक्शन और आपका कनेक्शन अच्छा है या अच्छा नहीं भी है, नॉर्मल है, तो भी यार आप अपने जो जो भी फ्रेंड्स हैं या जो भी आपके रिलेटिव्स हैं यार उनके साथ में इजीली कम्युनिकेट कर पाएंगे, वो भी एक फोन कॉल्स के थ्रू। अब यार अगर आप मैं आप अगर मैं आपसे बात करता हूँ यार एक नॉर्मल नेटवर्क वाली कॉल्स की, तो यार उसके अंदर आपका जो कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा लग जाती है और फिर यार आपको हर बार रिचार्ज कराना पड़ता है और जो आपका फ़ोन का बिल है वो भी काफ़ी ज़्यादा आ जाता है। लेकिन यार ये जो वे है ये काफ़ी कन्वीनियंट, काफ़ी एफिशिएंट तरीका है यार जिससे हम इजीली किसी भी फ़ोन नेटवर्क को, किसी भी मोबाइल नेटवर्क के अंदर अपने जो रिलेटिव्स हैं उससे किसी भी टाइम पे कम्युनिकेट कर पाते हैं, वो भी इंटरनेट की मदद से। लेकिन यार इसके अंदर एक प्रोटोकॉल निकल के आई, वो ये निकल के आई कि यार इंटरनेट बेसिकली सबसे पहला फंडा तो यार हमारे पास दिमाग में ये क्लियर कर लें कि यार इंटरनेट आखिर काम करता कैसे है। अब यार इंटरनेट जिस तरह काम करता है और जिस तरह ये मोबाइल नेटवर्क काम करता है, इन दोनों का काम करने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट है। पहले बात हो जाएगी यार हमारे पास इंटरनेट की। अब यार इंटरनेट इस तरीके से काम करता है कि यार इंटरनेट के अंदर हमारे पास पैकेट्स के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है उनको आगे भेजा जाता है। इसका मतलब ये कि यार अगर आपने किसी को बोला, एक सपोज करो कि यार आपने किसी को कॉल की, इंटरनेट से कॉल की, अब आपका इंटरनेट कनेक्शन, आपने कॉल किया, आपने बोला हेलो कैसे हो, अब यार आपने बोला हेलो कैसे हो, तो आप जो ये जो इन्फॉर्मेशन है ये यार उस सर्वर के पास में जाएगी पैकेट्स की फॉर्म में। पहले जाएगा हाय, उसके बाद में जाएगा हेलो, उसके बाद में जाएगा कैसे, उसके बाद में जाएगा हो। तो यार इस तरीके से आपका जो बेसिकली डिलेज है वो यार काफ़ी हो सकते हैं और जो आपको बेसिकली जो रिप्लाई है वो इंस्टेंटली ना मिल पाए। अब यार हो सकता है कि आपको 2 सेकंड बाद, 5 सेकंड बाद या फिर 4 सेकंड बाद जो रिप्लाई है वो देखने को मिले, लेकिन यार इसके अंदर यही एक बड़ी प्रॉब्लम निकल के आई। लेकिन यार अगर मैं आपसे बात करता हूँ नेटवर्क के बारे में, तो यार नेटवर्क के अंदर जो आपको नॉर्मल नेटवर्क देखने को मिलते हैं जिसके अंदर आप रिचार्ज करवा के कॉल करते हैं या फिर जो आपके बिल्स आते हैं फोन के उनके ऊपर यार कॉल्स करते हैं, लैंडलाइन की बात करता हूँ यार, मोबाइल फोन्स की बात करता हूँ यार, इसके अंदर हमारे पास जो नेटवर्क है वो काफ़ी फास्ट है। इसका मतलब ये कि हमारा जो बेसिकली जो हमारा वॉइस है वो जाती है, कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल सिग्नल की फॉर्म में और वो जाती है आगे रिसीवर के पास में। अब रिसीवर के पास में जब वो रिसीव होती है, रिसीव के होने के बाद में यार वो कन्वर्ट होती है वापस डिजिटल फॉर्मेट में, तो ताकि उसको सुन पाए वो जो आपका रिसिपिएंट बैठा है वो। उसके बाद में आप फिर जब आपके पास वापस वो कुछ बोलता है तो यार आपके पास जब सिग्नल आता है तो वापस वो इलेक्ट्रिकल फॉर्म से कन्वर्ट होता है हमारे पास वॉइस सिग्नल्स के अंदर और उसके बाद में आप सुन पाते हैं कि उसने क्या कहा है। अब यार इसके अंदर आपके पास जो डिले है वो पहली बात तो काफ़ी कम होते हैं। अब यार कम होंगे तो जाहिर सी बात है कि आपके जो सिस्टम है बेसिकली उसके अंदर काफ़ी अच्छी इंप्रूवमेंट्स आ जाएगी। अब यार इसके अंदर अगर मैं आपसे बात करता हूँ इंटरनेट की, तो इंटरनेट के अंदर डिलेज काफ़ी ज़्यादा हो रहे थे। आपने कुछ बोला वो 2 सेकंड के बाद आपको इंस्टेंट रिप्लाई मिलेगा, आपको बेसिकली मैं यूँ कहूँगा कि आपको तेज़ी देखने को नहीं मिलेगी, फास्टनेस देखने को नहीं मिलेगी, आपको जो रिप्लाई है बेसिकली थोड़े टाइम बाद मिलेगा। लेकिन यार कंसेप्ट काफ़ी कमाल का है वीओआईपी का, जिसके अंदर हम इंटरनेट के थ्रू ही कॉल्स कर पाते हैं जो कि यार एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, फ्री है, सिर्फ आपको इंटरनेट के जो बेसिकली जो आपका इंटरनेट कनेक्शन है सिर्फ उसकी फ़ी पे करनी पड़ती है, बाकी आपको जो एक्स्ट्रा बिल्स वगैरह हैं वो फिल नहीं करने पड़ते हैं। लेकिन यार इसके अंदर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बात
हमारी हो जाए वही हमें चाहिए। अब यार उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये VoIP बोले तो वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल के बारे में ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलेगा, और चैनल को यार अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी वीडियोस लेकर आता रहता हूँ। अभी के लिए दोस्तों इतना ही, स्टे ब्लेस्ड, स्टे इंस्पायर्ड।